दोस्तों ये बात तो आप लोग जानती हो कि बॉलीवुड के ड्रीम गर्ल यानी कि भाई आयुष्मान खुराना की मच अवेटेड फिल्म ड्रीम गर्ल का पार्ट टू जो है वो सिनेमा घरों में रिलीज हो चुका है। यानी कि इस फिल्म को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 2 दिन हो चुके हैं और आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर तीसरा दिन था। तो भाई इस फिल्म का तीसरा दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में कैसा जाने वाला है, इस फिल्म को दूसरे दिन कितने का कलेक्शन मिला है और भाई तीसरे दिन के माध्यम से इस फिल्म ने ऑलमोस्ट अपना पहला वीकेंड कंप्लीट कर लिया है। तो भैया पहले वीकेंड के माध्यम से यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन कर रही है ये सारी जानकारियां अब मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं आप लोगों के सामने ड्रीम गर्ल के पार्ट टू के आज के अर्लियर एस्टिमेट वाले कलेक्शन रिपोर्ट को रखूँ आज के ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट के माध्यम से, क्योंकि उससे पहले मैं आपको ये जानकारी देना चाहूँगा कि भैया इस फिल्म को दूसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन मिला है। तो दोस्तों आप लोगों को याद ही होगा कि जब ड्रीम गर्ल के पार्ट टू की एंट्री हुई थी बॉक्स ऑफिस पर तो भैया इस फिल्म को पहले दिन जो कलेक्शन मिला था बॉक्स ऑफिस से वो आंकड़ा था 10 करोड़ 69 लाख रुपीज़ का। या उसके बाद भैया इस फिल्म को दूसरे दिन यानी कि कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा है 14 करोड़ 2 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया 14 करोड़ 2 लाख रुपये का बिजनेस करते हुए इस फिल्म ने 2 दिनों में जो बॉक्स ऑफिस का कलेक्शन किया है वो आंकड़ा है 24 करोड़ 71 लाख रुपीज़ का। यानी कि भैया 24 करोड़ 71 लाख रुपए का बिजनेस इस फिल्म ने 2 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर कर लिया। और भाई इस फिल्म का तीसरा दिन भी बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में बहुत ही शानदार जाता नजर आ रहा है मेरे भाई। यानी कि आज इस फिल्म को ओवरऑल पूरे दिन में जो इंडिया से ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 48.50% का। यानी कि भैया इस फिल्म को आज मॉर्निंग के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 24.59% का। उसके बाद भी इस फिल्म को आफ्टरनून के शो में जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला था वो आंकड़ा था 54.1% का। और उसके बाद भैया इवनिंग के शो में इस फिल्म को आज जो ऑक्यूपेंसी रेट मिला है वो आंकड़ा है 66.80% का। यानी कि भैया आज के अर्लियर एस्टिमेट के माध्यम से ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जो कलेक्शन कर सकती है वो आंकड़ा है 16 करोड़ का। यानी भैया 16 करोड़ का बिजनेस करते हुए फिल्म पहले वीकेंड के माध्यम से जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन करती नजर आ रही है वो आंकड़ा है 40 करोड़ 50 लाख रुपीज से लेकर 41 करोड़ तक का। यानी कि भाई लगभग हाफ सेंचुरी के करीब ये फिल्म आ चुकी है मेरे भाई पहले वीकेंड के माध्यम से। तो दोस्तों आप अपने कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि भैया इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन मिल रहा है पहले वीकेंड में उसको देखने के बाद आपको क्या लगता है ये फिल्म कितने जल्दी 100 करोड़ का आंकड़ा बॉक्स ऑफिस पर पार करके दिखाएगी, अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जोर दबाइएगा।